तो हमारा टॉपिक रहेगा कलर ऑफ आयनिक सॉल्ट्स। देखिए ये तो बात तय है कि हम कलर पूरे केमिस्ट्री में कई जगह पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में, आयनिक कंपाउंड में और ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इनऑर्गेनिक बहुत सारे कंपाउंड्स में, ठीक है। तो पहले मैंने लिया है पहली बार कलर ऑफ आयनिक सॉल्ट्स। तो थोड़ी सी जो मैकेनिज्म है कलर बनने की वो आप अपने लेवल में उतार लीजिए। ये आपके पास मान लीजिए इस जगह आपके पास क्या है, ये आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर आपका सॉल्ट्स रखा हुआ है, सही है या सुनो। आपने यहां से ध्यान से सुनना, यहां से सनलाइट डाली, सनलाइट के अंदर कौन सा कलर होता है, सारे कलर होते हैं विबग्योर, या सुनो। मैंने मान लिया वी आई बी जी वाई ओ आर, ये पूरा हमारा पैकेज एक साथ चल रहा है जो कि व्हाइट कलर का दिखेगा भी, या सुनो। तो ये कौन सा दिखाई देगा आपको, व्हाइट। तो ये हमारे पास व्हाइट कलर का जो पैकेज चलेगा वो सीधा इस क्रिस्टल से टकराएगा। अब इस क्रिस्टल ने अगर उसमें से कोई भी एक कलर या दो कलर या बहुत सारे कलर अगर एब्जॉर्ब कर लिए तो बाकी का पैकेज आपको दिखाई देगा इस तरफ। अब एब्जॉर्ब करने के बाद हो सकता है आपके साथ में से कोई वी आई बी जी वाई ओ आर, उसने कोई भी एक कलर खा लिया, खा लिया का मतलब ये खा लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो उसने एब्जॉर्ब कर लिया वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो बाकी के जो कलर बने मिलेंगे वो उसका अपोजिट कलर बताएंगे जो इसने एब्जॉर्ब करा है। तो सपोज इसने ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसने ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर लिया तो बाकी के जो कलर है उनसे बनेगा, और जनरली वो इस कलर का, जनरली बोल रहा हूं हमेशा नहीं, जनरली वो इस कलर का जस्ट अपोजिट बनेगा। तो कौन सा बनेगा, ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड कलर दिखाई देगा, यानी फाइनल उसका कलर क्या दिखाई देगा, ऑरेंज रेड। तो ये ऑरेंज प्लस रेड, मैंने चौक का कलर भी ऑरेंज रेड से मिलता जुलता ही लिया इसीलिए, क्या वो कैसा दिखाई देगा, ऑरेंज रेड पूरा। अगर उसने ऑरेंज रेड एब्जॉर्ब किया होता तो कौन सा बनता, ब्लू कलर, ऐसे चलता है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन हुआ है, ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया है तो ये कहीं ना कहीं तो रखेगा। ये हमेशा कलर जब भी एब्जॉर्ब होता है, यानी कि लैम्डा ऑफ कलर, लैम्डा ऑफ विजिबल लाइट एब्जॉर्ब ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग जगह अलग अलग तरह से हो जाते हैं। जैसे एटम के अंदर आपको मालूम है लाइमन बामर सीरीज, बामर ट्रांजिशन जो होता है हाइड्रोजन के अंदर वो विजिबल का होता है। तो कैसे भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि अगर हम बात करें शेल वाइज तो N1 टू N2 शेल ट्रांजिशन, दूसरा PP ट्रांजिशन हो सकता है, तीसरा D ट्रांजिशन हो सकता है, चौथा PD ट्रांजिशंस करके भी हो सकता है। जनरली हम ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी तरह से हो सकता है। पांचवा जिससे कलर जनरेट होते हैं, समझना मेरी बात, जिसमें एक तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आएगा DD ट्रांजिशंस, जनरल मेटल टू जो हमारे पास लोन पेयर डोनर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, उसको बोलते हैं लिगेंड, मेटल टू लिगेंड या लिगेंड टू मेटल। तो जनरली लिगेंड टू मेटल ही ट्रांसफर होता है, तो लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का। तो ये बहुत ज्यादा हमारे पास पॉइंट्स हो सकते हैं कि किस तरह से इस ट्रांसफर में वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है इसमें से कुछ एनर्जी खा जाता है, डकार भी नहीं मारता, बाकी के इलेक्ट्रॉन बाकी के जो कलर है उससे आपको रिजल्टेंट कलर मिल जाता है। समझ में आ गई। आपने कभी देखा है कपड़े, कभी अपन शोरूम में जाते हैं कपड़े खरीद रहे होते हैं अच्छे से, हम जैसे शोरूम में बाहर निकलते हैं तो उसका कलर ही चेंज हो जाता है, क्यों भाई, अंदर अलग था। देखो उसने जो लाइट जला रखी है वो सनलाइट तो है नहीं, वो तो नॉर्मल लाइट यूज कर रहा है, उसमें से ही अगर पहले से ही एक दो गायब होंगे
समझना, और एक दो वो खा गया तो कलर अलग ही दिखाई देगा। तो कई बार क्या होता है, लाइट चेंज करने के बाद भी कलर चेंज हो जाते हैं। एक्चुअल कलर कौन सा होता है, जो सनलाइट में देख लो। तो इसलिए कपड़े खरीदते वक्त हमेशा शोरूम से बाहर आके एक बार जरूर चेक करें कि उसका वास्तव में एक्चुअल कलर है क्या। यस और नो? बाहर आके लेते हुए मत भाग जाना भाई साहब, घर तक जा रहे हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कल आयनिक कंपाउंड में कलर। तो मैं यहां पर एक ही लाइन लिखूंगा, SL पॉइंट यानी सुनील लखोटिया पॉइंट यानी कि गुरु मंत्र। देखिए, अगर आप बात कर रहे हो कि इंटेंसिटी या डार्कनेस, इंटेंसिटी भी बोल सकता हूं, इंटेंसिटी यानी कि डार्कनेस ऑफ कलर, आप इस तरह से ही समझिए, अभी बहुत ज्यादा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट करेक्टर। ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, तो जितने भी ये सॉल्ट्स हैं जो ऑलमोस्ट 100% आयनिक है, जैसे NaCl, KCl, NaI, NaBr, ये हमारे लिए क्या है, या KI या सीजियम फ्लोराइड, बिना देख के आप, या अमोनियम, अमोनियम भी बहुत ज़्यादा आयनिक है, अमोनियम क्लोराइड, ये जितने भी हमारे पास सॉल्ट्स हैं ये कैसे होंगे, वाइट। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आयनिक होते हैं और आसानी से पानी में सॉल्युबल भी होते हैं और कलर भी होते हैं। और दूसरे कंपाउंड जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते, यानी कि कहीं ना कहीं उनमें आयनिक करेक्टर कम हो गया, फजांस रूल के अकॉर्डिंग आप लगा लेते हो, और खास तौर पे ये कौन से होते हैं, डी ब्लॉक के हैलाइड्स। तो मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, डी ब्लॉक हैलाइड्स, आप कैसा सोचते हो डी ब्लॉक हैलाइड्स को, कोवलेंट नेचर होता है उनमें, हैवी आर कोवलेंट, आर कोवलेंट, और कोवलेंट होने की वजह से वो क्या होंगे, कलर, कलर्ड होंगे, उनमें कलर्ड आ जाएगा, कलर्डनेस, और जितना ज्यादा पोलरिटी होगी उतना ही ज्यादा कलर होगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, हाई पोलरिटी हाई कलर। यस और नो? तो एक लाइन और मेरे हिसाब से यहां पर ऐड होगी। आप मुझे बताएं कि अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनिए, मैंने ले लिया AgCl, AgBr, AgI। आप इधर देखिए, इधर जाने पर कोवलेंट करेक्टर क्या होता है, परसेंटेज कोवलेंट करेक्टर इंक्रीजेस, पॉलरिटी बढ़ रही है, फजांस रूल इंक्रीजेस, तो इसलिए कलर की डार्कनेस भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये होता है व्हाइट, ये होता है पैल येलो, और ये आ जाएगा आपके लिए डार्क येलो। तो ये तो हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट हुआ कि हम कैसे सोच पा रहे हैं इस जगह। तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं इस जगह कि कैसे हम कलर के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया लगा रहे हैं कि हाई कोवलेंट करेक्टर, बस बहुत है। तो ठीक है, हमारे लिए इतना।